भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर भ्रष्टाचार करती है। उदाहरण के तौर पर 2022 में शिवरी नारायण में राम वन गमन पर्यटन परिपथ कार्यक्रम के तहत हुए विकास कार्यो के लोकार्पण समारोह में 4,69,55,273 रुपए खर्च किया गया। भला किस लोकार्पण समारोह में इतना पैसा खर्च किया जाता है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से उनका मुद्दा छीन लिया और मैं राम वन गमन पथ बनवा रहा हूं करके। ये एक पहला राज्य है जो राम के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार करती है राम के नाम पर। एक उदाहरण मैं आप सबको बता देता हूँ। 2022 में शिवरी नारायण में आयोजित राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह, इस नाम से कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें जो खर्च आया वो 4,69,55,273 रुपये था। मेरे ख्याल से किसी कार्यक्रम में देश भर में इतनी राशि उद्घाटन समारोह में व्यय की गई, ये सबसे ज्यादा होने का एक उदाहरण है। तो 4,69,55,273 रुपये उद्घाटन के किन किन कार्यक्रमों में विषयों में व्यय हुए, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बताना चाहिए। ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा, राम के नाम पर तो बिल्कुल नहीं देखा। और राम भगवान के नाम पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको एक दिन जेल जरूर जाना पड़ेगा।